मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा कन्यादान विवाह योजना के तहत दी जाने वाली 51,000 की राशि कई लोगों को नहीं मिल पा रही। शिवपुरी जिले में तो एक युवती ने जनसुनवाई में अधिकारियों के सामने रोते हुए इस राशि को दिलाने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर अधिकारियों के सामने युवती फुट फुट कर रोई। युवती मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत 51,000 की राशि मांगने के लिए आई थी। शिवपुरी के खवाबदा कला गांव की रहने वाली युवती को 4 बार आवेदन देने के बाद भी यह सहायता राशि नहीं मिल रही। इस युवती के परिवार को अन्य योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। हम अपनी शादी का आवेदन दिया था 19 तारीख को, लेकिन आज पर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। सीओ ने ना सेक्रेटरी ने, सेक्रेटरी बोलती है कि मेरा पापा पुलिस वाला है, मैं गिरफ्तार करवा दूंगी। उसने आज तक गांव में कोई भी काम ढंग से नहीं किया। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो कामों को। मेरी दीदी के भी मैंने डॉक्यूमेंट दिए थे पिछले साल, आज तक सीओ ने उसका कोई भी भुगतान नहीं किया है। और डॉक्यूमेंट भी रख लिए थे और चेक भी रख लिया था, कुछ भी नहीं दिया था सीओ ने। मेरे पापा की कुटिया आज तक नहीं मिली। मेरे पापा आवेदन देते देते बूढ़े हो चुके हैं, आज तक कुछ भी नहीं मिला उनको। और बोलते हैं कि ये तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि तुम इसके पात्र में नहीं आते हो। ग्राम क्या आपदा कला का? हाँ, सेक्रेटरी का नाम क्या है? सीमा। तो वो धमकी देती है आपको? धमकी देती है कि मेरे पापा परेस वाले, मैं जेल में बंद करवा दूंगी। आप चाहो तो उसके बारे में चेक भी कर सकते हो पूरे गाँव में। आज जन सुनवाई में आए थे तो जन सुनवाई में आई, बोलो बोले कि चुप रहो, कुछ नहीं होता है इससे, और शादी का पैसा भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। अगर ये लोग हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हालांकि अधिकारी ने उस मामले में जल्द निराकरण का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, शिवपुरी।